मोसन आपने जूम सेशन पे मुझे होस्ट रा, राइट्स कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी कनेक्ट हो गया जरा देखो Uh, 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 I am sure i do not know why there is some issues with the connection, but I hope now it is okay Okay, I've changed the connection. Maybe this will resolve the issue. Uh, there was an issue at my end, I think Okay, So uh, अगर सबको मेरी आवाज आ रही है अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली क्वेश्चन ओके इन केस अगर ये जूम सेशन एंड होता है तो दोबारा सबने ज्वाइन कर लेना बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। आई ऑन दी रिकॉर्डिंग ऑन So आपसे शेयर कर लूँगा बटीवर uh, so we'll सुल्तान और जो क्लास में कंटी कनेक्शन है उसमें आप अगर ऑडियो को बंद रखें ठीक है सुल्तान कंडी बैठ जाइए आप लोगों में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि डिस्टेंस लर्नर्स हैं कैन यू प्लीज रेज हु आर टेकिंग सब्जेक्ट ऑन रिकॉर्डिंगली आप अगर चेक कर सकें मेरी आवाज आ रही है आपको हाँ सर कैंडी हाउ ने आप मैं पूछ ही रहा था आपसे कि डिस्टेंस लर्नर्स की जरा कंफर्म करें क्लास में कितने लोग हैं जो डिस्टेंस लर्नर्स हैं इस टाइम पे नोबडी इज रेजिंग द हैंड इट मींस ये सारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं द पर्पस ऑफ टुडे क्लास इज फॉर द डिस्टेंस लर्नर्स जिसमें से कोई भी इस वक्त ऑनलाइन नजर नहीं आ रहा मुझे जी नहीं जी नहीं जी नहीं आप उन्हें काइंडली मैसेज कन्वे करें कि आज की क्लास के दस नंबर हैं रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसकी और दे हैव टू अटेंड क्लास दिस क्लास इज फॉर देम दे शुड नॉट टेक इट लाइक वो किसी पेस्ट्री शॉप में खड़े हुए हैं और जब चाहेंगे अपनी मर्जी से वो पेस्ट्री खा लेंगे क्लास है तो क्लास लेनी पड़ेगी उनको काइंडली उन्हें कहें क्लास अटेंड करें टूडेज क्लास हैज गॉट फिफ्टीन वेटेज ऑफ मार्क्स स्पेशली मैंने कम्युनिकेट की तो शाहिद साहब आपने लगता है किसी को कुछ नहीं बताया हुआ ठीक uh, है uh. मोहसिन नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडी आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जितने डिस्टेंस लर्न हैं उन तक मैसेज पहुंचना चाहिए जी प्लीज कैंडीज इसको कम्युनिकेट करें उनको और उनको स्पेशली ये बताएं कि आज की क्लास में इफ दे विल नॉट अटेंड दे विल देफ्टीन परसेंट मार्क्स ओके okay, जी फाइन सो आई थिंक वी आर ऑन दिन अदर लास्ट क्लास में देर वर फ्यू स्टूडेंट्स आप में से बहुत सारे लोग क्लास में नहीं थे और हमने एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन उनकी ली थी जिसकी मैंने उनको टास्किंग क्लास के अंदर ही दी थी और दैट देट है ये याद रखिए जो क्लास में रजिस्टर्ड हैं उन्हें हर क्लास में आना उनके लिए लाजमी है क्योंकि एवरी क्लास विल हैव समझ आउट ऑफ दोटल मार्किंग फॉर दिस सब्जेक्ट और अगर आप क्लास में नहीं आएंगे तो रेगुलर इंट्रेक्शन में वो चीजें आप मिस करेंगे ना सिर्फ वो मार्क्स uh, मिस करेंगे बल्कि बहुत सारी बातें जो हम क्लास में करेंगे वो स्लाइड्स पे नहीं होंगी और वो भी मिस करेंगे वो अपलोड हो जाए दिस मोमेंट आई वु नो no, के जो लास्ट क्लास में नहीं थे क्या उन सब लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था और रिक्वेस्ट की थी आप किसी आपसे कि आप शेयर कर ले वो उन्होंने देख लिया है या नहीं देखा येट नॉट सीन प्रीवियस लेक्चर आप में से कोई है ऐसा क्या सारे ही है ऐसे हैं आलमगीर साहब थैंक यू और पीडीएफ से फायदा इतना नहीं है जितना आपको लेक्चर्स देखने से फायदा होगा और स्टिल लेक्चर देखें फिर उसके बाद यू कैन बेटर कमेंट क्या चीज आपको समझ आई क्या नहीं आई जी मुशायद को एल्स। चले ओके अब हम इसको इस तरह करते हैं कि मैं आपको अभी जो लोग आज हैं ऑन उन बोर्ड उनको एटलीस्ट जरूर अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने क्लास के लेक्चर्स को अपलोड भी करना है और साथ साथ रेगुलर रहना है तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे अभी तक कुछ चीज़ नहीं मिली है काइंडली क्लास सीआर से कांटेक्ट करके अपने आप को एक ग्रुप में ऐड करवाएं जो कंसर्न बंदे हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से मुतालिक रिलेटेड हैं उसमें एक पीजी कोऑर्डिनेटर मोहसिन साहब हैं एक डीएल कोऑर्डिनेटर कामरान साहब हैं और एक क्लास में आ, मैंने जो सी आर एडजस्ट किए थे वो शाहिद गरेवाल साहब तो काइंडली शाहिद गरेवाल साहब से या मोहसिन साहब से या कामरान साहब से मिलकर एक वाट्सएप ग्रुप सब कोर्स का बना लीजिए जिसमें सारे रजिस्टर्ड लोग जो हैं वो रजिस्टर uh, हो जाएँ और uh, उस पर वो ताकि उनको लेक्चर्स भी मिलते रहें और वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स भी मिलते रहें और साथ ही साथ जो असाइनमेंट्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कन्वे होती रहे तो चूंकि अगेन आई रिपीट सेमेस्टर इज शॉर्ट फास्ट पेस पे चीज़ें जाएंगी इसलिए uh, जो सुस्ती है उसका उसकी इसमें गुंजाइश नहीं होगी अदरवाइज़ यू विल लूज़ लॉट ऑफ थिंगस समझने के हवाले से भी और uh, आपकी ग्रेडिंग के हवाले से भी तो बर मेहरबानी आई रिक्वेस्ट अगेन बी फास्ट और बी पंक्चुअल क्लासेस सारी अटेंड करें कोई क्लास मिस ना करें और अगर कोई सेशन जूम पे होता है तो जूम पे अटेंड करें रेगुलर क्लासेस हमारी ज़्यादातर क्लासेस क्लास में होंगी उनमें ज़रूर आएँ और ताकि आप करंट रहें और चीज़ें जो हैं उसमें आपको कोई मसला ना उलेट रोन किसी का कोई पर्सनल इशू है तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करके बता सकता है ग्रुप के ऊपर हम सिर्फ पूरे पूरी क्लास की बात करेंगे आ, या जो है वो कम्युनिटी के बारे में कोई मसला हो वो डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल प्रॉब्लम जिसकी भी है जैसी भी है वो मुझे पर्सनल मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है या कुछ उसको मैं हल कर सका तो आई डू इट क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है ठीक है आई होप अब आवाज सबको आ रही है कोई डिसकनेक्शन तो नहीं है आवाज़ के अंदर ओके आई थिंक दिस इज नाउ रीजनेबली वेल और मुझे आप लोगों की भी आवाज भी आ रही है वीडियोस भी रिसीव हो रही हैं सो ओके सो विद दिस बैकग्राउंड जो हमने अभी तक कवर किया आई एम रिकॉर्डिंग दिस होल कन्वर्सेशन एज वेल आई विल अपलोड दिस ऑन YouTube एंड आई विल शेयर द लिंक विद शाहिद गरेवाल साहब शायद गरेवाल साहब इस वक्त वो आपके स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहे हैं जो दूसरी डिग्री प्रोग्राम्स के लोग हैं काइंडली वो उनके साथ कम्युनिकेट करके अपना सेल नंबर शेयर करें और शायद गरेवालवाल साहब काइंडली आप कंफर्म जरूर करें कि वो लोग हों जो कि कोर्स में रजिस्टर्ड हों किसी ऐसे शख्स को ग्रुप पे नहीं होना चाहिए जो कि कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है काइंडली फिर मुझे भी ऐड कर लीजिएगा आप ग्रुप में ओके okay, सो so, uh, आज का जो हमारा एम था आई रिमेंबर करेक्टली आपको साहब ने आप लोगों से असाइनमेंट या आज के काम की रिक्वायरमेंट जो है वो शेयर की थी और वो सारा काम क्लास में जो लोग थे उन्होंने कर लिया था और उन्होंने रिफाइन करना था गिव एवरीबडी अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन टुडे ऑन देयर टॉपिक्स देयर सुपरवाइजर नेम एंड तो अभी ये सेशन ख़त्म होने वाला है ये जैसे ही क्लोज होता है जूम सेशन दोबारा शुरू होगा तो हम किसी पहले स्टूडेंट से उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो सुनेंगे और इट वुड बी अ शॉर्ट टू टू थ्री मिनट्स प्रेजेंटेशन ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे और सारे स्टूडेंट्स को वी हैव टू कवर एंड देन वी हैव टू मूव ऑन विद विदू डेज लेक्चर ठीक हो गया सो लेट्स जॉइन अगेन विद न्यू सेशन बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू क्लोज सो काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिए Okay, Z. So I think uh, Zishan or Ali Raza. आवाज आ रही है सबको असल एवरी एवरीबॉडी आवाज आ रही है ठीक है अगर आवाज़ आप सबको आ रही है तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा दी फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स टू प्रेजेंट हिज और हर टाइटल जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक स्लाइड के ऊपर आपका टाइटल और सुपरवाइजर का नाम और दूसरी स्लाइड पे आपके रेफरेंस पेपर्स की डिटेल्स पांच से दस रेफरेंस पेपर्स की रिक्वेस्ट मैंने लास्ट क्लास में की थी तो आ, शायद गरीवाल साहब अगर आपने कुछ कुछ बनाया हुआ तो काइंडली आप पहले प्रेजेंट कर सकते हैं आपको मैंने शेयर करने के राइट्स दिए हैं जी सवाल कीजिए क्या कह रहे हैं आप जी जी आपने अपने शे, स्क्रीन शेयर ऑप्शन के साथ करना है वहाँ पे आपको नजर आएगी जब उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या शेयर करना है जी बताएँ ठीक है ठीक है ठीक है एग्रीड एग्रीड आप आप अगली अगली क्लास में आप प्रेजेंट कर सकते हैं नो इश्यूज इफ समबडी गुड जी आलमगीर साहब कहें अपनी वीडियो भी ऑन कर लीजिए और स्टार्ट करें आवाज आ रही है आपको स्टार्ट करें जी जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करें ओके गुड मार्निंग वीर साहब आपकी एफर्ट अच्छी है uh, इनमें से जो मुझे सबसे अच्छा पेपर या जो आप समझे कि डोमेन लग रहा है वो आपका लास्ट पेपर था जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू जोनिंग की गई है फ्लड हैजर्ड एरियाज़ की आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने नरल नेटवर्क्स पे कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो ये सबसे बेहतर रिलेटेड एरिया बनेगा बिकॉज अगले दस पंद्रह साल जो है वो इस एरिए में या इसके एडवांस टॉपिक्स के अंदर बहुत सारी रिसर्च होनी है तो ए जो जिसने ये पेपर 21 में किया है इसके बाद डीप नेटवर्क्स के ऊपर काम लोगों ने करना शुरू किया है डीप नेटवर्क्स के बाद फिर आ, लोग शिफ्ट हुए हैं अटेंशन नेट्स के ऊपर जिसमें आजकल आपको चैट जीपीटी नज़र आता है तो आई वुड रिकमेंड द लास्ट पेपर एंड इट्स एक्सटेंशन टूवर्ड्स अगर आप रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं और करना चाहते हैं तो जी इसको ले, इस पे और इससे रिलेटेड और रिसर्च पेपर्स अब आप ढूंढे जो कि आपको और गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से आपने आगे चलना है एग्जैक्टली exactly, ठीक है मैं बिल्कुल ठीक है अभी जो बाकी चार पेपर्स थे वो थोड़े से डिफरेंट डोमेन के थे ये एक और डोमेन का पेपर है ऑल दो है रिलेटेड ही लेकिन आप इस अप्रोच के तहत अपने काम को एक्सटेंड करें आप ठीक हो क्या न्यूरल नेटवर्क्स पे या डीप लर्निंग पे अगर कोई कोर्स आपने पढ़ा है ड्यूरिंग सिविल इंजीनियरिंग तो अच्छा है नहीं पढ़ा तो नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क्स के या ये जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे सी प्रोग्राम में ऑफर होते हैं वो आप ले सकते हैं ड्यूरिंग योर सिविल इंजीनियरिंग उसको हम वहाँ पे काउंट करने की कोशिश करेंगे कि आपके आपके प्रोग्राम में वो काउंट भी हो जाए ठीक है चले थैंक यू वेरी मच वेलकम गुड वर्क गुड वर्क ठीक है जी आ, जी कौन बोल रहे हैं आप ये सब्जेक्ट आ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस सबके लिए आपका प्रोग्राम कौन सा है जी आपका प्रोग्राम कौन सा है और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए आपने आपने लेक्चर नहीं सुने सब्जेक्ट के पहले पहले जो पहले वीक में लेक्चर हुआ है पता नहीं ऑनलाइन तो नहीं लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं लेकिन पहली क्लास में आप क्यों नहीं आई नहीं ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं है क्लासेस तो क्लास में ही हो रही हैं लास्ट लेक्चर क्लास के अंदर हुआ था वो आपने अटेंड नहीं किया मैं वो पूछ रहा हूँ कि क्यों अटेंड नहीं किया सेमेस्टर स्टार्ट होने की आपको कोई मेल नहीं आई फिर आपका ईमेल एड्रेस ठीक नहीं है आ, आपके पीजी कोऑर्डिनेटर के साथ क्योंकि ये मेल तो सबको गई है मुझे भी मिली और आपके इस आ, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हुई है मींस मसला किसके साथ है कोऑर्डिनेटर ठीक नहीं है अच्छा आप आपके साथ तो काइंडली अपना ईमेल नहीं वो अपना ईमेल एड्रेस काइंडली अगर आप ठीक करवा लें वो ठीक नहीं होगा इनके पास तभी आप तक मेल नहीं आई ठीक है ओके कांडली इसको अपडेट रखिए ताकि आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है फिर अगर आपका एड्रेस ठीक नहीं है तो वो मिस हो जाएगी आपसे और काइंडली ये पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा टू गेट अलाइन लाइन की क्या चीज़ हमने कवर की है आज के लेक्चर्स में लोग अपने अपने काम के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं देखें अगर आपने नहीं किया तो उसको इस हफ्ते में तैयार करें नेक्स्ट क्लास में आके क्लास में प्रेजेंट करें ठीक है जी सलमान आलम साहब स्टार्ट कीजिए आप ओके uh, okay जी सलमान मैंने आपसे एक लिंक शेयर किया है आप करना ये चाह रहे हैं कि आप फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना चाह रहे हैं किसी एक रीजन के अंदर मैंने आपसे एक जर्नल पेपर शेयर किया है विच इज अ रिव्यू पेपर ऑन वेरियस फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मेथड्स आप कोशिश ये कीजिए कि आपने काम जो करना है वो ये करना है कि जो आपका प्रॉब्लम है वो आप आ, किसी भी रीजन पे डाटा ले सकते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर वो कोई इशू नहीं है जिसका डाटा आपके पास अवेलेबल आप यूज करें टाइटल के अंदर कभी भी आप रीजन को मेंशन नहीं करते कोशिश करके नहीं करते ना आप सनाब रिवर लिखेंगे ना आप जहलाम रिवर लिखेंगे ना ही आप जो है ना वो केतु लिखेंगे ना ही आप जो है ना वो हिमालय रेंजेस लिखेंगे आप सिंपल कहेंगे जी कि एक फ्लड फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में करने जा रहा हूँ और यूजिंग सम अप्रोच कोई एक मेथड जो जिससे वो काम किया जा सके जिसके लिए आपको डाटा कलेक्ट करना होगा और उसकी एनालिसिस करनी होगी ये जो पेपर मैंने आपसे शेयर किया है इसको देखिए इसके अंदर से किसी एक रिसर्च मेथड को किसी एक को सेलेक्ट कीजिए जो कि आपका ये काम कर सके और वो आपका टाइटल बन जाएगा ठीक है सलमान बाकी ठीक है आपने एरिया ठीक सेलेक्ट किया है लेकिन थोड़ा सा ये वीकनेसेस शुरू में होती हैं इन्हीं यही हमारा काम है कि इसको आपको ठीक कराया जाएगे 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 जाए कि करेक्शन लग सकती है करेक्शन लगाई जाए सो आई रिपीट फॉर एवरीबडी जो आखिरी क्लास में नहीं था उनके लिए भी एवरीबडी आउट ऑफ यू हैज़ टू डिसाइड आ टॉपिक एंड द टॉपिक मस्ट बी समथिंग विच शुड बी अर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम सो अगर आपने एक थीसिस करना है तो हमेशा मास्टर्स थीसिस एक, 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 एक फॉर्मल रिसर्च का तरीका होता है फॉर्मल रिसर्च में हम हमेशा कोशिश ये करते हैं या ये कहें कि मास्टर्स के थीसिस के अंदर जो एवेल्यूशन होती है वो इस बेस पे होती है कि आपने एक फॉर्मल रिसर्च थीसिस किया है जिसमें आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है विच इज़ अ प्रॉब्लम और फिर उस प्रॉब्लम के साथ आपने एक सोल्यूशन देना होता है कि इस मसले का हल जो है वो ये है और हमने लास्ट क्लास में बड़ा लेबोरेटरी डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम कैसे डिसाइड होगी उसके सोलूशन कैसे डिसाइड होंगे क्या क्या क्राइटेरियाज हैं उसके लिए मैं आपको रेफ़र करूंगा कि लेक्चर की ऑडियो लिंक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे काइंडली अपने सी से कनेक्ट करके वो लिंक्स देखें डाउनलोड करें और ज़रूर देखें ताकि आप जो बातें कर रहे हैं उनसे आप अलाइन हो सकें लिंक कर सकें कि क्या बातें हो रही हैं तो एक और चीज़ जो हमें बताता चलूँ वो ये है कि जब आप मास्टर्स थीस करते हैं तो मास्टर थीस के अंदर आप कभी भी रीजन को स्पेसिफाई नहीं करते किसी एक खास रीजन को आप मैंशन नहीं करते ठीक है जी अबू बकर अमजद आवाज़ आ रही है अमजद ओके कैंडली कैंडली अगर किसी को कोई मसला हो तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है ताकि मैं वहीं पर रुक जाऊँ और कुछ और अगर बीच में ऐड करनी है चीज़ तो वो बता सकूँ सहर सुलेमान जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी ओके जी सीमाब, सीमाब जमीर को आवाज आ रही है अच्छा जी काइंडली मैंने एक रिक्वेस्ट ये की थी कि अपने नाम के आगे अपनी डिग्री प्रोग्राम ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या है अभी भी कुछ लोगों ने नहीं लिखा हुआ सेकंड रिक्वेस्ट ये की थी कि काइंडली वीडियो ज़रूर ऑन रखें ताकि आई कुड सी योर फेसेस सब्जेक्ट में अच्छा ग्रेड लेने के लिए आपकी शक्ल का मुझे नजर आना बहुत ज़रूरी है ताकि ग्रेडिंग करते हुए मैं ये जहन में ला सकूँ कि ये कौन सा स्टूडेंट है इसलिए जो क्लास में जितना ज्यादा आएगा वो उतना ज्यादा विजिबल होगा और उतना ज्यादा वो फिर याद भी रहेगा मुझे जिन लोगों की वीडियोस ऑन नहीं है वो ऑन कर लीजिए ओके सो मैं बात ये कर रहा था आपसे कि जब हम थीसिस टॉपिक डिसाइड करते हैं इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में बात की है उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए दूसरी बात जो उससे रिलेटेड है वो ये है कि जब आप टॉपिक डिसाइड करते हैं तो टॉपिक में रीजन वाइज कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए टाइटल में रीजन नहीं होना चाहिए क्योंकि रिसर्च ग्लोबल होती है आप जब भी बात जब भी आप फॉर्मल रिसर्च करते हैं आप पूरी दुनिया के लिए वो रिसर्च करते हैं दुनिया के हर बंदे को वो अट्रैक्ट करनी चाहिए उसके लिए वैलिड होनी चाहिए अगर आप उसमें पहले ही लिख देंगे कि जी ये रिसर्च मैंने चीचू की मलिया में की है या ये मैंने जो है वो ढोखब्बा में की है या ये जो है वो पिंडी के अंदर काम हुआ हुआ है तो जो अमेरिका में शख्स बैठा हुआ है या जो चाइना में बैठा हुआ है या जो यूरोप के किसी मुल्क में बैठा हुआ है और आपके रिसर्च पेपर को अगर वो खोल खोल लेता है गलती से भी तो टाइटल दे के वो बंद कर देगा कि ये तो काम मेरे लिए है ही नहीं जबकि ऐसा नहीं है आप में से सब लोग जो भी टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं या करते हैं वो जनरली स्पीकिंग एक ग्लोबल टॉपिक होता है डेटा हमेशा एक रीजन के लिए सिलेक्ट होता है आप केस स्टडी जरूर करते हैं आप डाटा किसी खास रीजन से कलेक्ट करते हैं हमेशा हम पॉपुलेशन का सोचते हैं और सैंपल साइज कलेक्ट करते हैं और सैंपल साइज़ मोस्टली आपके अपने रीजन में से होता है चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं चाहे आप सी के स्टूडेंट हैं चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं डैम्स पूरी दुनिया में हैं फ्लड्स पूरी दुनिया में हैं अर्थ पूरी दुनिया में है कोडिंग पूरी दुनिया, दुनिया, दुनिया में हो रही है एजुकेशन का मसला पूरी दुनिया में है इंडस्ट्रीज़ का इशू सारी दुनिया के अंदर है तो जो प्रॉब्लम भी आपकी है वो इन्हीं एरियाज के अंदर से है चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के हैं तो इसलिए जब आप किसी मसले को सेलेक्ट करते हैं तो काइंडली उसमें रीजन को मैंशन ना करें टाइटल के अंदर आप विद इन टेक्स्ट सुटेबली सुटेबली मैंशन कर सकते हैं कि जी ये टॉपिक जो है वो इसके लिए मैंने ये सैंपल चूज uh, किया है सेलेक्ट किया है और ये पूरी पॉपुलेशन एप्लीकेबल है ताकि दुनिया में जहां पे भी कोई शख्स बैठा हुआ जब उस रिसर्च को पढ़ेगा कभी आपके थीसिस को पढ़ेगा या आपके पेपर को पढ़ेगा तो तो वो उसमें अट्रैक्ट होगा अटेंशन लेगा और उसका कोई उसकी वेटेज देगा उसको तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके काम की वैल्यू नहीं होगी याद रखिए कि रिसर्च या रिसर्चर का सबसे बड़ा एम ये होता है कि जब वो रिसर्च कर ले तो लोग उसकी रिसर्च को पढ़ें और उस रिसर्च को वेटेज दें। उस रिसर्च को आगे साइट करें, कोट करें तो अगर ये काम आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन कुछ कुछ पहलुओं का ख्याल रखना पड़ेगा तो आई होप इस चीज की समझ आप सबको आ गई है जो मैंने बात की है स्टिल अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मुझसे इधर पूछ सकता है मेरा फोन नंबर मेरा सेल नंबर जो है अवेलेबल है यू कैन ऑलवेज कॉल मी यू कैन ऑलवेज सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप आई रिस्पॉन्ड टू और यू ई ईमेल मी जी ऐसे ही है टॉपिक अप्रूव होने के बाद ही काम करेंगे आप ये आज की प्रेजेंटेशंस भी देखें और मेरी बात सुने Uh, मैं सबके लिए जो बात कर रहा हूँ वो मैं सबके लिए करता हूँ प्रेजेंटेशन सुनते हुए काइंडली अटेंटिव रहे वो सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं होती वो बाकी सब पे भी उतनी ही एप्लीकेबल होती है क्योंकि मैं जब बात करूंगा मैं कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मैं उस उस इंडिविजुअल के लिए बात नहीं करूंगा ठीक है जी तो काइंडली इस चीज़ का जो है वो सब लोगों ने ध्यान रखना है और पूरी क्लास में अटेंटिव रहें आ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सेमेस्टर शॉर्ट है पेस तेज़ होगा अगर आप वाकई सब्जेक्ट करना चाहते हैं थोड़ा फास्ट पेस पे चलना पड़ेगा रेगुलर रहना पड़ेगा अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे और जब पीछे रह जाएंगे तो अच्छा ग्रेड नहीं आएगा सब्जेक्ट में अच्छा ग्रेड लेने का बड़ा आसान तरीका है बी रेगुलर बी पंक्चुअल एंड बी अटेंटिव क्लास के जो चीज़ें हम कवर करेंगे उन्हीं में से आपके पेपर्स आएंगे और ये याद रखें कि पेपर से ज़्यादा क्लास की इंट्रैक्शन या प्रजेंटेशन इंपॉर्टेंट है क्लास में मैं दो प्रजेंटेशन लूंगा जिनकी ऑलमोस्ट पूरे कोर्स की एट्टी परसेंट वेटेज है एक मैं मिड टर्म से पहले या बाद में लूंगा और एक एंड टर्म से पहले लूंगा विच वुड बी दी फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल जस्ट फॉर दोस्त जो आज फर्स्ट दफा क्लास ले रहे हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि इस कोर्स का मकसद ये है कि आप में से हर कोई अपना रिसर्च प्रपोजल फाइनलाइज कर ले एंड बाय सेइंग दिस रिसर्च प्रपोजल फाइनलाइज कर ले इससे मुराद है कि वो अपने रिसर्च प्रपोजल की एक डॉक्यूमेंट तैयार कर ले एज पर दी यूनिवर्सिटी टेम्पलेट नंबर वन नंबर टू उस रिसर्च प्रपोजल की एक प्रेजेंटेशन बना ले जो कि वो एवेल्युएशन कमेटी फॉर प्रपोजल्स के सामने प्रेजेंट कर सके तो ये काम आप में से हर एक ने करना है विद इन एट वीक्स तो इसलिए फास्ट पेस पे आपने चलना है रेगुलर रहेंगे रोजाना का काम रोजाना की बुनियाद पे करेंगे तो आप कर सकेंगे अगर नहीं करेंगे नहीं रेगुलर रहेंगे और बीच में गैप्स लेकर आएंगे हफ्ते के दो हफ्ते के तो फिर आप पीछे रह जाएंगे अकॉर्डिंगली यू विल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर फाइनल ग्रेड्स सो गुड ग्रेड इज़ वेरी इजी इफ यू स्टे रेगुलर वन रूल यू स्टे रेगुलर स्टे पंक्चुअल विजिट द्लासेज रेगुलरली अगर आप डिस्टेंस लर्नर हैं तो रेगुलर लेक्चर जो है वीडियो ऑडियो लेक्चर देखें और साथ ही साथ इंटरेक्ट करें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें मुझसे फौरन कि ये प्रॉब्लम है इसका क्या हल है और कोशिश करके क्लास में जो डीएल स्टूडेंट स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि वो दो दफ़ा पूरे सेमेस्टर में लाजमी विज़िट करें आके फिज़िकली इंटरेक्ट करें अपने अपने टॉपिक से मुतल ताकि उनके जो मसले मसाइल हैं वो रिजॉल्व हो सकें और ये सब अगेन मैं रिपीट दोबारा कर रहा हूँ करने का मकसद मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इसमें फ़ायदा आप लोगों का है अगर मैं सख्ती करूंगा क्लास में तो वो मैं आपकी आप लोगों की वजह से कर रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट का जो थीम है या जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ सकें और आप आइंदा इसको यूज़ कर सकें इन योर रिसर्च करियर अगर आप आगे इसको लेके चलना चाहते हैं और अगर नहीं भी लेके चलना चाहते हैं याद रखें ज़िंदगी में कोई रास्ता क्लोज नहीं करना चाहिए आज अगर दिल नहीं भी कर रहा थीसिस करने का कल कोई पता नहीं है ज़िंदगी आपको किस मोड पर ले आए और आपको कोई ऐसी ऑप्शन नजर आए जहाँ पे आप ये कहें कि अब मैं रिसर्च फेज में चला जाता हूँ या मैं इसे हायर स्टडीज करने चला जाता हूँ और या मुझे करना पड़ेगा तो फिर उस मौके पे आपके दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए तो दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए जिंदगी में कोई दरवाजा किसी भी किस्म का बंद नहीं करना चाहिए चाहे आपका बुरे से बुरा वास्ता पड़ा हो किसी से कोई बुरे से बुरा दोस्त हो कोई बुरे से बुरा दुश्मन हो कोई अच्छे अच्छे से अच्छा दोस्त हो अच्छे से अच्छा दुश्मन हो वॉट एवर द्लोज देक इट अ रूल ऑफ योर लाइफ

वाईफाई uh, रेंज को इम्प्रूव करें या uh, अगर डाटा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बेहतर डाटा पैकेज का इस्तेमाल करना शुरू करें ठीक है कुछ लोगों का ये लाइक मुझे एक का मैसेज आया हमज़ा रहमान का तो मेरा ख्याल में उनके अपने एंड पे कोई इशू है ओके सो विद दिस वी हैव लिसन टू टू पर्सन और मैंने वहाँ कुछ बातें की हैं उन बातों को जहन में रखें और हम आगे चलते हैं पर्सन टू प्रेजेंट हिज वर्क जी बताइए आप दो रिक्वेस्ट कीजिए एक मिनट एक मिनट रुक जाइए पहले रुक जाइए लेकिन जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगी सबकी तरफ से नहीं करेंगी अपनी बात करें बाकियों का बाकियों को बाकी थे आवाज़ आ रही है आपको जी जी आपकी आवाज़ आ रही है बताइए नाम क्या मैडम आपका नाम क्या है सॉरी एक तो अपने नाम को काइंडली जिस नाम से आप क्लास में इन ही है अपने नाम अपने नाम से रजिस्टर हो लॉग इन हो आपका ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल आपका अपना है काइंडली इसके लिए अलग से आप मुझे मैसेज कीजिएगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा फिलहाल जो जो क्लास में आपने सुना है वैसे ही है और सबके लिए वैसे ही होगा आप प्रेजेंटेशन सुनिए मोहम्मद जवाद आलम जवाद असगर खान की जी जवाद साहब स्टार्ट कीजिए वालेकुम आप ऑर्डेबल हैं बताइए ओके uh, okay, जवाब इसमें कैंडली uh, कुछ पॉइंट्स अगर आप नोट कर सके आपके लिए भी ये बातें या बाकियों के लिए भी है देखें जो आप टॉपिक करना चाह रहे हो ना दिस टॉपिक इज इज नॉट अ ग्लोबल इशू अगर आप इसको खुद गौर करो थोड़ा सा तो इट मे बी अ स्टडी रिक्वायर्ड बाय लम्स जस्ट टू नो द इम्पैक्ट और अफेक्ट ऑफ देयर प्रोग्राम ऑन टू द पीपल दैट कोर्स तो यू आर वेरी आप एक बंद गली में अपने अपने काम को लेके जा रहे हो रिसर्च इज समथिंग विच शुड बी फिनना रिक्वायर्ड या आप कहें कि इम्पैक्टिंग बिगर ऑडियंस इस हवाले से थोड़ा सा इसको आप जरा री व री थिंक करो कि आपका जो टाइटल है इफ यू गो बैक टू योर टाइटल अगेन प्लीज शो दैट स्लाइड देखें इस टाइटल के अंदर आप एम बी ए और एम बी ए के भी एग्जैक्टिव प्रोग्राम को आ, का काफेक्ट देखना चाह रहे हैं आर्म फोर्सेज में और आप बैकग्राउंड में आपके लम्स का प्रोग्राम है जो कि आपने शायद खुद अटेंड किया है तो थोड़ा सा मैं इस पर जी मैं इस पर जो मेरा इस पर जी